साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ के निषाद पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अहम प्रेस वार्ता की, जिसने हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में निषाद के प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारा ग्राफ बढ़ते ही जा रहा था और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपने घटक दल बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हम अपने पार्टी के साथ विंग बनाएंगे जो समाज के हर वर्ग को जोड़ेगा। साथ ही आने वाले 30 मई को हम मत्स्य पालन विभाग के पोर्टल का नींव रखेंगे, जिससे हम योजनाओं को धरातल पर भी उतारेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 80 सीट पर हम अपने संगठन को लेकर तैयार हो चुके हैं। इसी क्रम में प्राइम टीवी से खास बातचीत में गोरखपुर से सपा महापौर प्रत्याशी काजल निषाद पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ हैं। आज आपने एक अहम प्रेस वार्ता रखी है, तमाम जानकारियों को साझा किया है। अगर बात करें नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपका संगठन कितना तैयार है इस चुनाव के लिए? देखिए, हम पूरे प्रदेश के 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर मेरा संगठन है। इसी की वजह से 2019 में सपा बसपा एक हो गए थे, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सफल हुए। उस संगठन को और सुदृढ़ कर रहे हैं। 27 जिले जो हम 4.5 लाख से ऊपर मछुआरे हैं, जो नदियों के किनारे हैं, जो राप्ती है, गंगा है, बेतवा है, घाघरा है और सब जो है गंगा जमुना है, तो इस सब नदियों के किनारे वाले जितने भी लोकसभा हैं वो बहुत निषाद बाहुल हैं, मछुआरे बाहुल हैं। इनकी दशा दुर्दशा अंग्रेजों मुगलों ने खराब की थी। सबसे पहले इनको सुधार, इनके विकास की मुधारा में लाने के लिए उन 27 जिलों को आगे किया हूँ। पहले एक चरण में 27 जिला है, फिर उसके बाद 27 होगा, तीन चरणों में पूरे 80 के लोकसभा को हम तैयार कर लेंगे और निश्चित रूप से 2024 में फिर से मोदी जी को गद्दी पर बैठा। संगठन को तैयार कर रहे हैं, प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और बात करें तो आपके बड़े भाई बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलकर कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। कितने सीटों पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है और कितनी जगह तैयार है? देखिए, मैं तैयार किया था पिछले बार, हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे 2017 में, एक विधायक थे और निश्चित रूप से वहाँ मैं 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 वोट पाया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आ रहा और 2022 में बुला कर अपने से कितनी सीटें आप ले लो और इतना जीत सकते हो, तो निषादों को भी 3 जिताया। आपने देखा, करछना जिताया, मैंने मजमा में जिताया, मैं चौरी चौरा जिताया और निषादों को जिताया। और भी है, 11 सीटें ऐसी ली थी जो जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती थी, 9 सीटें उसमें मैंने जीत कर इतिहास रचा, तो ऐसे में 11 विधायक पहुँचे। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है और निश्चित रूप से बुलाकर चिंतन मनन करेगी और निश्चित रूप से बताओ कि लोकसभा में भी भोजन भरी थाली निषाद पार्टी जाएगी। संजय जी, आपके ही क्षेत्र से आती हैं काजल निषाद, महापौर की प्रत्याशी थी गोरखपुर से, वो इस आरोप को लगा रही हैं कि संजय जी भोजन भरी थाली अकेले खा रहे हैं और समाज ने उस थाली को सजाया। उनके इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? जिस सरकार के साथ हुआ है उस सरकार ने छीन लिया था थाली, निषादों की थाली छीन लिया, उनकी नौकरी छीन लिया, मछुआ पद था उसको ख़त्म करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दी। उससे पूछें कि किसने छीना था निवाला। मैं मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कर दिया हूँ, 30 को उसका पोर्टल खुलेगा, हम उनको शिक्षा देंगे, उनको मकान देंगे, उनके बच्चों का परवरिश में करेंगे, बुजुर्गों होंगे उनको देंगे, बारात घर बनेंगे, ई लाइब्रेरी होगा, उनको दुर्घटना हो गई तो हम सहायता करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग कराएंगे, रोजगार कराएंगे। निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री ये हमारी योजनाएं हैं। जिस सरकार के जिस पार्टी में है उनकी सरकार रही हो, कोई एक लाइन लिखा हो तो बताएं, वो लोग माइक पर कुछ भी बोला जा सकता, समाज को कुछ भी गुमराह किया जा सकता। और ये भाड़े के पहलवान जो आज के दिन में समाजवादी पार्टी में है, उनका वो भाड़े पर हैं, जिस दिन जितना भाड़ा लगा उस दिन रहेंगे काजल वहाँ, उसके बाद चली जाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस में रहें, बसपा में रहें, फिर यहाँ आ गए, यहाँ से भी चले जाएंगे जहाँ उन्हें मौका मिलेगा। आज निषाद हमारे साथ है, निषाद पार्टी के साथ है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा, और दो चार बेचारे गरीब हैं जाकर उनको उल्टा सीधा पढ़ा कर जो है बयानबाजी कराना, ये ओछी राजनीति कहती है। क्योंकि कुछ किए हों, किसी के साथ कुछ किए हों, वो बताएं कि मैंने इतना किया है, कौन क्या किया है उसको बताएं, हमारे पॉजिटिव वर्क को भी तो बताएं मैंने क्या किया है। मैंने जेल गया है राजनीति में, जिस पार्टी के साथ है मैं अधिकार समाज को मांगने के लिए जा रहा था तो गोली मार दी,
302 मुलजिम बना दिया, पिटाई किया, तो छीना कौन है? छीनना तो अलग बात है, ऊपर से कहर डाया समाजवादी पार्टी ने, तो ये तो बेशर्मी है कि किसी को कहा जाए कि नहीं। ये तो दो लाइन बोले ना समाजवादी पार्टी के, जिनका नाम आप ले रहे हैं, एक बार रैली हुई थी यहीं, यहीं आए थे हम लोग ज्ञापन देने के लिए, यहाँ लाठीचार्ज हुआ था और लक्ष्मण मेला मैदान में हम लोग गए थे, और वहाँ उन्होंने क्या कहा था समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि हम साइकिल का वो निकाल के गद्दी उसी पर बैठा देंगे समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में आदमी को लालच में आके कुछ भी बोला जाए तो लालच में आकर जो भी चाहते हैं वो बुलवाते हैं, उनको कुछ नहीं, वो निषाद है ना कुछ है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव ही चर्चा करिए। समाजवादी पार्टी ने क्या निषादों के लिए किया है? समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस ने क्या निषाद पार्टी के निषादों के लिए किया? आज भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव में कहीं ना कहीं आप मंचों से मछुआरा समाज के लिए निषाद, समाज के आरक्षण की कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हुए नजर आए थे, मगर अभी तक अगर बात की जाए तो आरक्षण मिला नहीं है। क्या 24 में भी एक बार फिर अपने बड़े भाई से आप इस बात को करेंगे? मेरा समाज 70 साल से इंतजार किया और इंतजार के साथ सताया भी गया है। सत्ता सुख उन लोगों ने भोगा, हमारा समाज सताया गया है। जब 70 साल सताया जा सकता है और इंतजार कर सकता है तो हमारा आज सरकार हमारे समाज को सुख दे रही है। अब कोई निषाद जाता थाने में तो रेटे नहीं बोलते दरोगा, कहते हैं आइए निषाद जी, SDM के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं आइए निषाद जी, पहले क्या कहते थे कहाँ आ गए तुम, तो अब उनको लगता नहीं डॉक्टर संजय हैं, कहीं फ़ोन आ जाएगा तो मैसेज चले जाएगा, योगी जी जांच कराएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, चले जाएंगे घर। तो ऐसे में सम्मान मिल रहा है, सत्ता का सम्मान मिल रहा है, सम्मान के साथ साथ उनके आरक्षण पर भी चर्चा हो रही है। 70 साल इंतजार कर सकते हैं तो कुछ और दिन इंतजार करेंगे। जिस तरीके से धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, तो इनके आरक्षण भी लागू होगा, सही दिशा में जा रहा। ये लोग गुमराह करते हैं, इनको सही बात बताते नहीं। पहली बार है 70 साल में कि RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय को देना है, उसको यहाँ भेज दिया। माननीय योगी जी ने इस पत्र को भेजा था कि डॉक्टर संजय कहता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, क्या सच्चाई? दिशा निर्देश मांगा था मुख्यमंत्री जी ने, तो सही सही बात है। RGI ने 18 जनवरी 2022 को उन्होंने लिख के दिया कि नहीं ये डॉक्टर संजय की बात सही है, लेकिन समस्या है कि आप वहाँ तो अगर हमारी सही दिशा में चल रहा है, प्रधानमंत्री आज उनके वहाँ जब हम वोट दबाते थे हाथी साइकिल पंजा का, तो इनके मुख्यमंत्री के यहाँ आते थे तो डंडे खाते थे, आज इन्होंने बटन दबाया है निषाद पार्टी और भाजपा का, तो मुख्यमंत्री भी हर हफ्ते कैबिनेट में बैठ के हमसे हालचाल लेते हैं। मोदी जी जब SMS डालते हैं बुला के हालचाल ज्ञापन देते हैं, कोई ऐसा मंच नहीं होगा माननीय प्रधानमंत्री का जब भी निषादों के लिए निषाद डॉक्टर संजय से निषाद पार्टी, मोदी जी ने 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया, योगी जी जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, मेरे सम्मान में निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित कराते हैं। ये बेईमान पार्टियाँ कई ईंटा दिए हैं, कई बार नारा लगाई है, कई बार गई निषाद राज, 18% आबादी का वोट ही चाहिए, न तो सम्मान देंगे, न तो उनका नौकरी देंगे, न हिस्सा देंगे, खाली गुमराह करेंगे। हमारे जितने नेता थे, मैं कहता जिस समय जांच कराया जाएगा सब कटघरे में आएंगे, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जूरी बिंद, फूलन देवी, जमुना निषाद, इन लोगों के समय में मारे गए थे। ये सारे नेताओं को मरवा दिया, अब डॉक्टर संजय को नहीं मरवा पाएंगे, क्योंकि अब बंदूक में ताकत नहीं, बटन में ताकत है, सेना तैयार है, ऊपर ट्रेनिंग चल रहा है, और इसके वजह से जितने लोग हमारा हिस्सा खाने वाले थे वो सब खत्म हो रहे हैं। और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था, मोदी जी ने हमें गले लगाया, निश्चित रूप से इनकी समस्याओं का समाधान होगा। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थापित हो रहा है और हम आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे और मछुआरा समाज की बेहतरी पर लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वहीं यूपी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में होने वाले आयोजन पर वृहद चर्चा की है। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 25 मई से 3 जून तक होगा। वही कार्यक्रम के शुभारंभ से जुड़ी झांकी भी मुख्यमंत्री को दी गई है, जिसका शुभारंभ 25 मई को लखनऊ और समापन 3 जून को वाराणसी में होगा। आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन दिव्य और भव्य हो, जिससे मेहमान खिलाड़ी आगंतुक हो और प्रशिक्षकों के समक्ष खेलों में भी यूपी की अनुपम छवि हो।
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम समीक्षा बैठक की है। वही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर आज अहम बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट की पार्किंग में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। हादसे में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। बता दें कि अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की गाड़ियां भी जलकर राख हो गई और हादसे में कई अधिवक्ताओं को चोट भी आई है और कई अधिवक्ताओं के हाथ तक जल गए हैं। ये जो घटना हुई है ये पूरी विद्युत विभाग की गलती के से हुई है। हाँ। यहाँ पे तार टूटा हुआ था, ये नंगे तार देख लीजिए आप, ऊपर कैमरा घुमा के, ये पूरे नंगे तार रहते हैं। किसी की भी जान चली जाए, कोई विद्युत विभाग का कोई वो नहीं है, वकीलों की जान की समझिए कोई कीमत नहीं है। और ये पूरा विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा है। और यहाँ पे हमारे अधिवक्ता भाइयों ने ये घटना को होने से समझिए ये बहुत बचा लिया। कई अधिवक्ताओं को मेरे हाथ जल गए यहाँ पे गाड़ी हटाने से, 15 से 20 गाड़ियाँ फिर भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी घटना जब हो गई उसके बाद आया भाई। राजधानी लखनऊ के दीवानी कोर्ट के बाहर गेट नंबर 2 पर आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर मौजूद लगभग 20 गाड़ियों के आसपास जलकर खाक हो गई हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता समाज की जो गाड़ियाँ हैं और जो स्टाफ की गाड़ियाँ हैं वो लगातार देख सकते हैं आप यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये साफ तौर पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो अधिवक्ता हैं इनकी गाड़ियाँ लगभग 20 गाड़ियाँ लगभग जल कर खाक हो गई हैं और ये एक बहुत बड़ा हादसा है। कोर्ट है, कोर्ट में तमाम लोग आते हैं, तमाम अधिवक्ता हैं, तमाम इसमें जो साफ तौर पे ये नजर आया है कि यहाँ पर जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर लोग हैं, मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या सर क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था बिजली विभाग की। यहाँ पे जो ये लाइन गई हुई है इधर देखिए, ये ऊपर से शॉर्ट सर्किट हुई है, सब ये लापरवाही है विद्युत विभाग की, विद्युत विभाग के जो लापरवाही के चक्कर में ये सब कांड हुआ और बड़ा कांड भी हो सकता था। सर क्या हुआ था आपने देखा? एक्चुअली मैं वहाँ हाईकोर्ट के 3 नंबर गेट पे पोड़ी खा रहा था, मैंने देखा वहाँ से कि ये तार जो है जो क्रॉस तार था वो पहले स्पार्क हुआ आपस में जले, थोड़ी देर में मैंने निकाला कि लाओ मोबाइल से हम वीडियो बनाए, बहुत तेज जल के बस गिर गया, गिरते ही मोटरसाइकिलों में आग लगी और बहुत तेजी से पकड़ लिया। ये मेरे सामने की बात है, ये साफ तौर पे ये जो है इन्हीं ने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से ये बिजली का तार यहाँ पर गिरा और उस गिरने के बाद यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी गाड़ियों में आग लग गई और आग इस कदर के विकराल रूप ले लिया जिसमें 20 गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई हैं। साफ तौर पे आपने देखा कि इनके सामने ये घटना हुई है, अधिवक्ता थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस तरीके से कोर्ट के बाहर घटना होती है और विद्युत विभाग की लापरवाही। लखनऊ से है जहां सिविल कोर्ट परिसर में भीषण आग लग गई है। इस दौरान अधिवक्ताओं के साथ ही कई और कर्मचारियों भी गाड़ी जलकर राख हो गई है। अब खबर कानपुर से है जहां 7 साल के लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वही प्रयास में असफल होने पर उसने मासूम बच्ची पर ब्लेड से कई वार करते हुए उसको घायल तक कर दिया। पुलिस ने आरोपी लड़के को अपनी कस्टडी में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वही बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और विधिक कार्रवाई कर रही है। चकेरी थाना अंतर्गत सनिवा पुलिस चौकी में कांसीराम कॉलोनी आती है जिसमें एक डबल कॉलोनी है, उसमें 7 साल उसका 7 साल का बच्चा उस कॉलोनी का एक सिंगल कॉलोनी की 3 साल की बच्ची को साइकिल पर बैठा करके कांसीराम कॉलोनी के पीछे दिन में लगभग 2 बजे लेके पहुंचा। पहुंचने के बाद ये उसको उंगलियों से हरकत करने की कोशिश कर रहा था जिसको एक महिला द्वारा देख लिया गया। देखने के बाद उस महिला द्वारा जब पास गई तो वो लड़का भाग गया। बाद में उस लड़के को जब परिवारजन द्वारा बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं इसको लेकर के यहाँ आया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अनिल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है जिस पर पूरे समाज को गौर करना चाहिए कि एक 7 साल का लड़का जो है वो मासूम से रेप की कोशिश करता है। ये कानपुर के सकई थाना क्षेत्र का मामला है, बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे घटना करने वाले को कहीं ना कहीं तो बड़ी सजा देनी चाहिए। हालांकि जो बच्चे की उम्र थी 7 साल थी और उसने 3 साल की बच्ची का ऐसा कर दिया है। और बता दूं कि जिस हिसाब से जब एसीपी से बात हुई तो एसीपी ने इसमें जांच में पाया है कि वो 7 साल का था, उसको 3 साल की लड़की को साइकिल बैठा के पीछे ले गया था, लेकिन वहाँ पे एक महिला ने देख लिया तो उसने आवाज लगाई तो कहीं ना कहीं छोड़ के भाग गया। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी सोचने वाली बात है कि 7 साल के और 10 साल के बच्चे इस तरीके से कैद करेंगे तो हमारा देश और हमारी राज्य की सोच आ रहा है। जी बिल्कुल गौरव, ये तो कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो देश के जो विकास है उसकी जो सीढ़ी तय करते हैं। और अब जैसा कि ये एक रेप के प्रयास का मामला सामने आया है जो कि एक 7 साल के बच्चे ने किया है, ऐसे में पुलिस ने कस्टडी में तो ले लिया है, लेकिन आखिर इतने छोटे बच्चे को क्या सजा दी जाएगी, क्या पूछताछ की जाएगी उससे? जी बिल्कुल, हालांकि 7 साल का बच्चा है, 7 साल के बच्चे की उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या रहा और ऐसी क्या चीजें हैं, और खासकर जो वर्तमान में फोन और टेलीफोन और लैपटॉप जैसी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आ जाते हैं, और छोटे से बच्चों के हाथ में आने के बाद जिस तरीके से बच्चों की स्थिति बनती चली आ रही है, बहुत सोचने वाली विषय है और इस पर कहीं ना कहीं सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के बाद इस पर कोई एक नया कानून और नया कदम करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। रैप रैली में खीरो थाना क्षेत्र के देवगांव के प्रधान के ऊपर महिला से रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास की दूसरी किश्त के लिए प्रधान ने महिला से रिश्वत मांगी है। वहीं बता दें कि देवगांव की रहने वाली महिला ने गांव के प्रधान के ऊपर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिसको ऑडियो भी अब वायरल हुआ है। मामला हमारा आवास का है, मुख्यमंत्री द्वारा आवास पाया गया था, हमारी पहली किस्त भी प्राप्त हो गई थी, हमने न्यू डलवा दिए, तो ये प्रधान जी ने पैसे मांग रहे थे तो इसीलिए दूसरी किस्त बोले कि हमने बोला कि दे देंगे पैसे, लेकिन वो नहीं माने, बोले कि हमको पैसे अभी चाहिए नहीं तो हम आपका आवास अपात्र कर देंगे। 2-3 बार जाँच भी हो चुकी है, उसमें हम पात्र पाए गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं हम आपका आवास कटवा देंगे और आपके घर में भी कोई आवास आएगा तो उसको हम भी कटवा देंगे। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम थाना क्षेत्र के पौष इलाके राजनगर एक्सटेंशन की हाई राइज सोसाइटी और कमेलिया में एक लिफ्ट गिरने से लिफ्ट में सवार आधा दर्जन लोगों की जान पर बनाई है। गनीमत रही लिफ्ट में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों में से कोई हताहत या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं। और हादसे में एक परिवार के 6 सदस्य लगभग 25 से 30 मिनट तक लिफ्ट में फंस कर अपनी जान की दुआ मांगते रहे। हादसे के समय लिफ्ट में एक 5 महीने का बच्चा, एक 12 साल की लड़की और 2 बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद थी। फिलहाल लिफ्ट के गिरने के बाद सभी फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन इस दौरान बाहर खड़े लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और शोर सुनकर करीब 25 मिनट के बाद उन्हें किसी तरीके से लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया है। खबर बिजनौर से है, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पत्नी ने शराबी पति को शराब का सेवन करने से मना किया था, इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था और इस दौरान पति ने उसकी हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला बिजनौर के थाना मडावर क्षेत्र के द्वारिकापुरी इलाके का बताया गया। समझा गया मैं, ऐसा ना कर करते बैठे, अब मैं होता तो रात में पी खा गई ना, कैप्सूल भी खा होता, शराब भी पी होता और वारदात कर दी। कैसे की बात है? धारदार हथियार से करी, जब मैंने हमने आकर देखा उसके गले को। फिर उसको आप लड़की को लेकर गए कहीं अस्पताल वगैरह कहीं? जब आपने देख लिया तो जब ही फ़ोन कर दिया भाई साहब ने हमारे, अब जब ही लेकर चले गए, जब पुलिस आ जाएगी तो फिर पुलिस पहुंच गई, फिर उन्होंने
खबर गाजियाबाद से है, जहां एक शोरूम के मालिक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बुलेट बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोयल टेलीकॉम के मालिक जैसे ही अपने शोरूम पर पहुंचे, तभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जबकि परिवार वालों का कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और इसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई थी। अगर पुलिस समय से कार्रवाई करती तो ये हत्याकांड ना होता। वही अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। गोली लगी है, मेरा भाई है जी। क्या नाम है? मुकेश गोयल। क्या उम्र है सर? 42 के करीब है उम्र की। क्या घटना हुई है, कब की घटना सर? ये है 9:05-10 की बात है जी। और दो आदमी आए थे बुलेट पे जी, एक लंबा सा था, एक थोड़ा कम हाइट का था, एक तो वहीं बैठा रहा बुलेट पे ही जी। और एक ने जाकर दो तीन गोली मारी उसके। तो अब यशोदा लेके आए हैं? अब यशोदा में लेके आए हैं। हाँ, क्या पता चला? ख़त्म हो चुके हैं, डेथ हो गया। हाँ, डेथ हो गया। क्या सर, कोई दुश्मनी वगैरह चली थी, कोई रंजिश थी? हाँ, सबको पता है इस बात का, तो कि किससे दुश्मनी चल रही है, क्या है, सबको पता है। क्या वजह सर? वजह क्या, मकान का कोई मैटर था उसका, प्रॉपर्टी का। हाँ, प्रॉपर्टी का कोई मैटर था उसके चक्कर में। पहले सर, ये मुरादनगर रेलवे रोड की क्या घटना है? देखिए, मुरादनगर रेलवे रोड में आज सुबह 23 तारीख को लगभग 9 बजे के आसपास में मुकेश गोयल जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, और गोयल टेलीकॉम करके उनकी दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो कोई बदमाश आके उन पर फायरिंग की है उसने, जिसके बाद इंजरी के बाद उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस, मुरादनगर पुलिस मौके पर पहुँच गई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवरिया जनपद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला के पति 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से रिटायर हो गए थे, लेकिन बार बार नोटिस देने के बावजूद भी रिटायर्ड पुलिसकर्मी द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किया जा रहा था। वह पुलिसकर्मी की पत्नी अपनी बेटी के साथ जब SP ऑफिस पहुंची तो महिला ने SP कार्यालय पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे SP नाराज हो गए और महिला पुलिस को बुलाकर महिला थाने भेज दिया। खबर रायबरेली से है, जहां मंदिर दर्शन करने गया युवक नहाते समय तालाब में डूबा। वहीं तालाब में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई और यह पूरा मामला शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहुरवा भवन स्थित देवी मंदिर का है, जहां महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पहरेमऊ निवासी 3 युवक देवी मां के मंदिर दर्शन करने के लिए अहुरवा भवानी मंदिर, जैसे युवक मंदिर दर्शन के पहले परिसर में स्थित तालाब में आसान करने लगे, तभी एक युवक का पैर तालाब में फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। जब तक स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में डूबे युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बदायूं के इस्लाम नगर में लगे उर्स के मेले में अश्लील डांस की महफिल सजने लगी है। मेले में बार बालाओं के अश्लील ठुमकी और उन ठुमकों पर नोट लुटाने की वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में होने वाले अश्लील डांस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके बावजूद इस्लाम नगर में लगे उर्स मेले में बार बालाओं ने अश्लील ठुमके लगाए हैं। फिलहाल इस पर पुलिस ने के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उर्स के मेले में अश्लील डांस करती हुई ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लग सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।